हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज है अलविदा जुमा, तो आज हमारी दावत है अपने भाई के यहाँ। हम वहाँ जा रहे हैं। आज आपको अपना हम सारा व्लॉग दिखाएंगे, क्या क्या खाने में बन रहा है, कैसे होगा सब। आज का पूरा दिन हम आपको दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। ओके, अब हम जा रहे हैं अपने भाई के यहाँ, तो अब आपको दिखाएंगे हम अपने भाई का घर। आज हम अपने भाई के फ्लैट पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी दावत कर दी कि आज हम वहीं रहेंगे सब बच्चों के साथ। बच्चे नीचे उतर चुके हैं, मैं जा रही हूँ। आइए बेटा, जल्दी आइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए ऊपर फ्लैट पे चलें। आ जाइए, आ जाइए। नमाज पढ़ने जा रहे हैं बेटा? जरूर संभाल के जाइए। अब जा रहे हैं अलविदा की नमाज पढ़ने। आ गए नमाज पढ़ रहे? तो गाइज, हम अपने भाई के यहाँ आ गए थे। अब मैं आपको अपने भाई का घर दिखाती हूँ। ये है इनका रूम। एक ये दूसरा रूम है। ये हमारे भतीजे सो रहे हैं, कभी उठ जाएं बंद कर देते हैं। तो गाइस, अब शाम की इफ्तारी की तैयारी होगी स्टार्ट। हम बना रहे दही बड़े। हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन शोरबे वाला। अब हमने डालिए धनिया एक चम्मच, ये नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें डाल के मैरिनेट कर देंगे। अब इसको एक घंटे के लिए ढक के रख देंगे। तो भाई, शाम की हमारे रोज़े इफ्तार की तैयारी हो गई स्टार्ट। अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन। इसमें डाल देंगे प्याज, इधर दही बड़े बनके बन के हमारे रेडी हैं। प्याज हो गई हमारी फ्राई। डाल देंगे इसमें टमाटर, टमाटर फ्राई कर लेंगे। इधर दही बड़े बन के भी रेडी हो चुके हैं। इधर हमारा कुकू का ओट्स बन रहा है। सो के उठ रहे हैं हमारे भतीजे, तो उनके लिए ओट्स बन रहा है। हमारी प्याज हो गई फ्राई, अब इसको निकाल लेंगे। चिकन मैरिनेट हो गया, एक घंटा हो चुका है। और इधर प्याज टमाटर हमारे फ्राई हुए ठंडे हो रहे हैं, और ये हमने थोड़ी सी प्याज को ब्राउन किया था। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। इसको अच्छे से भून लेंगे। और हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसमें हमारा चिकन हो चुका है रेडी। देखिए, अच्छे से इसने पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ऐसे हमने चिकन निकाल लिया है, और इधर प्याज भी पीस लिए। ऑयल में डाल दें, बच्चे में डाल दें हम खड़े मसाले, प्याज, अब हमने इसमें सब डाल दी। प्याज और टमाटर जो पीसे थे, वो उसको हम अच्छे से भून लेंगे।
और ढक के रख दें। तो अब हम चेक करते हैं हमारा मसाला कैसे है। बन चुका है और इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून मिर्च, कोई भून लेंगे, डाल देंगे धनिया, अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे चिकन, इसको अच्छे से भून लेंगे। एक मिनट के लिए ढके रख देंगे, कभी पत्ते हो गया है एक मिनट। अब इसमें डाल देंगे हम पानी, इसमें पानी डाल दिया है, डाल देंगे कैसे नमक, इसको ढक दें 10 मिनट के बाद चेक कर। चिकन बन गया है, इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, इसको ढक देंगे। चिकन फ्राई मिल गया है, हमने 1.5 किलो चिकन, ये है मैदा, इसमें मिलाएंगे हम मिर्ची, डालेंगे नमक, तो मिक्स कर लेंगे। एक बाउल में दूध, थोड़ा दूध ले जाए, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, एक इसमें हमने एग डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। सुन लेंगे, पानी ले लेंगे बाउल में, जा रहे हैं आज KFC स्टाइल चिकन फ्राई, जो हमने घोल रेडी करा था इसमें डिप करेंगे, फिर ये मैदा रेडी करी थी इसमें डालेंगे, इसके बाद ठंडे पानी में डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर से इसमें मिलाएंगे। इसी तरह से हम फिर सी लेंगे, डिप करेंगे, सब मिलाएंगे इसमें, फिर ठंडे पानी में डिप करेंगे। अब फिर से इसे मेल्ट करेंगे, ये फ्राई क्रंची, इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना क्रंची हुआ, बन के रेडी हो गई हमारी KFC स्टाइल फ्राई। निकाल लियो, कट
के दुआ करते हैं। चलो आ बेटा, जल्दी आओ भाई सब लोग। अपने भाई के घर से अपने फ्लैट पे जा रहे हैं। आइए बेटा जल्दी चलिए। गाइस हम आ गए हैं अपने फ्लैट पे, अब जा रहे हैं अंदर को। आप बताइएगा हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।